नमस्कार, मैं हूं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज हम हमारे खास कार्यक्रम गांव यात्रा के तहत सिरसा ज़िला के चोपटा खंड के गांव बकरियावाली में पहुंचे हैं। हम बकरियावाली गांव के अंदर पूरा विवरण लेंगे, क्या गांव के अंदर विकास कार्य हुए हैं, मौजूदा जो ग्राम पंचायत है उसने क्या विकास कार्य करवाए हैं और क्या मुख्य तौर पर ग्रामीण जो कमियाँ मान रहे हैं, क्या ऐसी कमियाँ हैं जो रह चुकी है। तो फिलहाल शुरुआत करता हूं मैं, गांव के हिस्ट्री और इतिहास के बारे में मैं बताऊंगा कि ये गांव के जो मुख्य गांव का पार्क है और पार्क में ये एक गौरव पट बना हुआ है जिसके अंदर ये बताया, इसमें लिखा हुआ है कि बकरियां वाली गांव लगभग 250 वर्ष पूर्व राजस्थान के आकारबाना गोत्र ने बसाया है और इस गांव के अंदर जाखड़ गोत्र के लोग आए और बताया जा रहा है कि इसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और जिसमें ज़्यादातर जो है जाट बिरादरी है और उसमें बाना, जाखड़ व गोदारा गोत्र के लोग हैं। और गाँव के अंदर प्राचीन हनुमान व ठाकुर जी का मंदिर भी है जो कि काफ़ी पुराना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की इसमें श्रद्धा है। गांव का मुख्य व्यवसाय की बात करें तो खेतीबाड़ी और पशुपालन गांव का मुख्य व्यवसाय है। गांव के वीरों की भूमि भी इसको कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गांव के जो युवा है वो सेना में भर्ती हो चुके हैं जिसका इस सूचना पट के अंदर भी अंकित है, इनका जिक्र किया हुआ है। आप देख सकते हैं 8-9 जो इसमें थल सेना और वायुसेना के अंदर भर्ती हो चुके हैं जिनका पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह के ये जो इतने जो युवा हैं वो सेना के अंदर भी जा चुके हैं। इसके अलावा गांव के अंदर 2 शहीद भी, जो सैनिक हैं वो 2 शहीद भी हो चुके हैं जिसमें ये इस सूचना पट में अंकित है। हजारी राम पुत्र श्री खिराज बाना भारतीय सेना में थे और श्री सूरजा राम जो कि भारतीय सेना में थे, इन्होंने इसमें जिक्र हुआ है अच्छे से कि गांव का गौरवमयी इतिहास है जो बलिदान एवं वीरता से परिपूर्ण है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीदों का इसमें जिक्र किया गया है और इसमें गांव के इन 2 सैनिकों का जिक्र है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। तो ये गांव का एक इतिहास है और अब हम पूरे गांव के अंदर जाके पूरा विवरण लेंगे, गांव वालों से बात करेंगे कि पिछले 3.5 साल का जो मौजूदा ग्राम पंचायत का कार्यकाल है उसमें क्या क्या विकास करे हुए हैं और क्या खामियां हैं और आगामी जो पंचायत बनेगी उससे क्या उम्मीद करते हैं, क्या उनके गाँव की मुख्य मांगे हैं। तो अब हम गांव में पहुंचे हैं और गांव वालों से पूछते हैं किस तरह के यहां पे उनके गांव के अंदर क्या समस्याएं मुख्य तौर पे मानते हैं और क्या अचीवमेंट ग्राम पंचायत का है। तो फिलहाल हमारे साथ एक ग्रामीण है। जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र जी। आपके गांव में क्या समस्या मुख्य तौर पे है? हमारे गाँव में जी एक समस्या तो है अस्पताल की, जो हमारे गाँव में अस्पताल नहीं है यहाँ, क्योंकि जो छोटी मोटी हमारी जो कोई बीमारी होती है वह हमारे अस्पताल नहीं है, तो ये तो अस्पताल बनना चाहिए हमारे गांव में। और एक डांगर अस्पताल जो पहले था उनकी चार दीवारी और उसके मकान नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी कोई डांगर की दिक्कत हो जाती है तो हमारे को बाहर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं, ये समस्या है जी हमारी ये तो। और हमारे गांव में जो बिजली घर है वो बिजली घर नहीं है हमारे गाँव में, और वो बिजली घर हमारे गाँव में होना चाहिए। ग्राम पंचायत ने 3.5 साल में क्या काम किए हैं? हमारे ग्राम पंचायत ने जी गली मनवाई है हमारे गांव में और छोटे मोटे काम किए हैं। साफ़ सफाई के बारे में क्या कहना है जी? साफ़ सफाई तो दिखने ला रही है थाने, है ही कौन नहीं साफ़ सफाई तो। साफ़ सफाई तो अठा कोई महीना में एक बार ही आवे जी, साफ़ सफाई कौन हमारे गाँव में? साफ सफाई कौन? तो सरपंच को कभी बोला है आपने? सरपंच ने मैं 4-5 बार कह दी जी, और सरपंच जी जागे बन कह तो मैं कोई बात ही कौन करे मार सकते तू तो बात। साफ सफाई कौन जी है के विकास करे होगा मैं 3.5 साल में के मानो विकास करी है जी? लहरे जितनी पंचायत में काम होए 3.5 साल में बहुत बढ़िया काम होए जी। जितनी साल में लहरा को जी कितने रिकॉर्ड है नहीं, वो तो 3.5 साल में तोड़ दियो, गलियां बना दी सारों की बढ़िया करी हुए। मैं तो 54 साल की उम्र हो रही है, देख तो आए हूँ सारा सरपंच ने लहला देख लिया। हमारा वो जिला प्रमुख के कारण हो या सरपंच के कारण हो, वो तो भाई जीती जाना को नहीं,
बाकी पीछा ठीक आए, ठीक काम हुए, बढ़िया काम हुए। सफाई व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है, ज्यादा तो ना मान लो दुरुस्त है, पर बड़ो गाँव होने के कारण बिंगी वजह है। दो चार दो एक कर्मचारी और रख दे तो वाले सही सी है, कोई विशेष बात कौन नहीं। तो एक और ग्रामीण है, तो इनसे भी पूछते हैं क्या समस्या है और क्या काम इनके गांव में पिछले 3.5 साल में मौजूदा ग्राम पंचायत के कार्यकाल में हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या मानना है, क्या कितने विकास कार्य हुए हैं आपके गांव? हमारे गांव में बहुत अच्छे कार्य हैं जी। गांव की लगभग सभी गलियां पक्की हो चुकी हैं और गांव में जो भी कार्य हैं बहुत सुचारू ढंग से, पार्क का निर्माण, पार्क को चलाने में, गांव की गलियों में लाइटें लगाने का काम पंचायत ने बहुत, और हमारे जो जिला प्रमुख है उनका गांव के विकास कार्य में बहुत सहयोग है जी। समस्या क्या मानते हो आपके 3.5 साल के कार्यकाल के बावजूद अब गांव में क्या समस्या मानते हो मुख्य तौर पे? मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या, गांव में 10+2 का स्कूल नहीं है जी, जगह पंचायत के पास बहुत है। अगर गांव में 10+2 का स्कूल बन जाए तो लड़कियों को, विशेष तौर से लड़कियों को बाहर दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। गरीब परिवार है जो यह सोचता है कि बच्ची छोटी बाहर भेजता नहीं, अगर 10+ का स्कूल हो तो यहाँ सब कुछ हो जाएगा। और मेन समस्या गांव की सफाई की है, गांव में 2 सफाई कर्मचारी है, वो कभी भी नहीं करते, ना गाँव वाले को सुनते हैं, जब भी कोई कहते हैं तो अनाप शनाप ही बोलते रहते हैं। कोई समस्या आप सब सभी देख सकते हैं, गांव में जगह जगह कूड़े गड्ढा है, नालियाँ पानी की भरी हुई है, गांव में कम से कम 20 घरों के अंदर डेंगू हो रहा है और बुखार तो शायद हर घर में एक एक बच्चे को है। और ये नंबर एक गांव में PHC या छोटा हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, दूर जाना पड़ता है। यातायात के साधन तो हैं लेकिन वो भी टाइम पर नहीं चलती हैं। सबसे बड़ा क्या है कि यातायात के साधन तो बहुत हैं, बसों की 19 टाइम है लेकिन कई तो 1 घंटे में 4 बसें आ जाती, कभी 1.5 घंटा तक आती नहीं है। इससे बच्चों को भी पढ़ाई में जाना होता है, दूर होता है। और समस्या ये है कि गांव में नाजायज कब्जे बहुत हैं, नाजायज कब्जों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमारे गांव में पहले 1 ठेका होता था, अब नाजायज कब्जे के कारण 2 हो गए, पता नहीं उसकी आमदनी आती है नहीं आती वो पंचायत जाने। तो ग्राम पंचायत अवैध कब्जों की बात हो चाहे ये सफाई की बात हो, इस पे कोई एक्शन नहीं लेती? ग्राम पंचायत ने केस डाला हुआ है और जो पंचायत के हक में हो चुका है, लगभग 126 व्यक्तियों के खिलाफ केस है जो पंचायत के हक में हो चुका है, आगे पंचायत क्या कार्रवाई करती है तो पंचायत ही जाने। रही बात ये समस्या है, जैसे RCC पाइप है, जैसे मेरे को जरूरत नहीं है, मैं भी 4 ले गया, ये मिसयूज हो रहा है पैसों का, जिनको जरूरत उनको चीज दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान है, योग्य आदमी रह रहे हैं यहाँ, आप जाके देखो, यहाँ साहब राम जी बनना है, उनके घर बिल्कुल कच्चे हैं, उनका कहीं भी कोई नाम, वैसे आदमी जैसे मेरे को देने से क्या फ़ायदा है, गरीब आदमी तो रह जाते हैं। इस तरह की समस्या गाँव में है, बाकी सब ठीक है, गाँव का पंचायत का बहुत योगदान है। तो ये बता रहे हैं कि इनके गांव के अंदर एक तो यातायात जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। यहाँ पे विशेष तौर पर स्कूली जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक समस्या है कि यहाँ पर गांव के अंदर 2 का स्कूल नहीं है और 2 तक के स्कूल के लिए गांव के जो बच्चे हैं उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है और जो गरीब परिवार से हैं वो अपनी पढ़ाई भी उनकी बाधित हो जाती है। वहीं सफाई व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है कि सफाई कर्मचारी प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करते हैं जिसकी वजह से गाँव में काफ़ी बीमारियाँ फैल चुकी हैं। अब कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या विकास कार्य हुए हैं, कितने वो विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। जी बताइए क्या काम हुए हैं आपके गांव में? गांव में सरपंच से पूछो, पंचायत के आगे, पंचायत बहुत बढ़िया। अच्छा किस तरह की क्या क्या काम हुए? काम में टोटल गलियां बना दी इंटरलॉक की और वाटर वर्क की सप्लाई की सारा कर दी। अब थोड़ी सी कमी वाटर वर्क विभाग की है, मैं 40 साल है वाटर चला गया ना, बाकी जी की वह वाल वगैरह और पाइप जी की है वह कंडम हो रही है, जगह जगह लिखी जो है आज थी और ठीक है, सारा काम बढ़िया है, भाईचारा बहुत बढ़िया है, ठीक है, हमारे गाँव में सरपंच ठीक है,
जिला प्रमुख है बनी भी सहयोग करेगा मैं खूब। सफाई जी है वो बिल्कुल ही नहीं है, दो आदमी रख रख गए खटे रहे पता ही होनी। मैं कहा भी तू आकर दे मारी तो सुने को नहीं, माड़ी बूटी सुने तो सरपंच ही थोड़ी बहुत सुन सके भी नहीं, कई बार कह दियो भाई अट्ठासू मस को नहीं मैं, क्यों भाई इन्हें तो सरकारी दिहाड़ी लें अरे इन्हें प्राइवेट आपकी दिहाड़ी लें। हाँ अच्छा सुन सफाई के वजह गम में डेंगू इतनी हो रही है, हर घर में दो दो तीन तीन पेशेंट हो रहे हैं, फुर्सत ही को नहीं हमारे जगह छोरा है भजे फिरे सारे दिन। हाँ जी बताओ क्या बता रहे थे आप? मैं कहा मुको हर घर में दो दो चार चार पड़े हाथ बुखार का मलेरिया और डेंगू। अरे आज ये की सहायता हुआ तो भाई सपरे सपरे की हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाया, ये फैक्ट्री के कारण बहुत मक्खी ना डंकी बहुत हो रही है तो इन कारण जो कोई सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी ताऊ जी क्या समस्या है गांव के अंदर आपकी? क्या गली फूटी पड़े पत्ता टपा ना गाड़ी टपा ना आदमी टपा फूटी पड़ी सारे थारा के फोटू गली फूटी पड़ी। कितना दिनों समस्या है? इन्हें जी छः महीना लगभग हो गया, छः महीना हो गया। तो सरपंच ने कहो कभी कहो जी क्या बनावा टाइम को नहीं फीसा को नहीं क्या करा बिया करा घड़ी बिया कहो। अच्छा कह के फीसा को नहीं करा टाओ फिर बनावा कई बजे कहो जी। तो क्या दिक्कत क्या होने लग रही है जी? वो पानी पड़ी हो रहे वो पानी जी आप पहली तू टाटी लगाई फिर अब दलडा होगा बस साफ करे को नहीं करा दो कह दू सरपंच ने कई बजे तो बनाई को फिर एक बजट को नहीं आयो तो भी बजरा बने मारू बजट आओ को नहीं वो कदम चीज बेरो को नहीं सरपंच को कह दो जी। जी परेशानी काफ़ी है बड़ी तकड़ी जी देख लो आगे पड़े खड़ा दलडा पड़े चलते बड़ी तकड़ी परेशानी। हाँ जी क्या समस्या है गाँव? हमारा गली की समस्या हो रही है, जगह जगह देखो खड्डा हो रहा है, इन्नी कर जाके आए आगे गली में खड्डा हो रहा है, तीन मुल्क का कोई इलाज को नहीं है। साफ सफाई कौन करे भैया? सरपंच गली के में कर्जे है और गलिया में जावे कोई कोई सफाई नहीं है। समस्या तो घनी है जी, समस्या दे अड़ंगो गलो फुटो पड़े है खड़ा हो गए बत्ती दूर जाए को ठोकर कादो किचड़े मच्छर मुच्छर माखी बहुत जोर को काम हो रही है जी। तो कोई थारा बरगो भाई कोई मेहर कर दे तो चलो चार दिन जी जावाने सो सौदो पत्ते तो बहुत भीड़ हो रही है खड़े हो गए बारह जा तो ठोकर खा के पड़ जा कद में मुँह टिके अड़ंगा बाजी बहुत कोजा अड़ंगा हो रही है। तो सरपंच ने कहे हो थे कोई? सरपंच ने मैं तो कहता कहता था पिया जी सरपंच क्या सरपंच क्या। और तो आपने सुना और देखा कि किस तरह के गांव के हालात हैं। गांव की जो मुख्य समस्या की बात है तो वो एक गलियों की है और साफ़ सफाई की है। आप अभी मेरे गांव के बीच में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरह के गहरे गड्ढे जो है वो गांव की कई गलियों में बने हुए हैं और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है इनका और गाँव के अंदर जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई नहीं करते हैं। वहीं ग्रामीण यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच के खुद के जो घर उनके नज़दीक सफाई बढ़िया तरीके से हो जाती है लेकिन और कहीं पे भी सफाई नहीं है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मच्छर यहाँ फैल चुके हैं और जिससे कई तरह की बीमारियाँ गांव के अंदर हो चुकी है जिसमें मुख्य तौर पे जो डेंगू है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ये ग्रामीण बता रहे हैं कि इस तरह की बगैर सफाई व्यवस्था के और गाँव की गलियों और नालियों के अंदर कीचड़ जो जमा है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बजट गांव के अंदर लगा है लेकिन बावजूद इसके अभी भी गांव के अंदर मुख्य समस्याओं में ये जो सफाई व्यवस्था है ये नहीं है। इसके अलावा और भी हमने सुना कि किस तरह से गांव के अंदर स्कूली बच्चों के लिए स्कूल अपग्रेड की मांग है, चाहे यातायात व्यवस्था की बात है, चाहे गाँव के नज़दीक जो है 2 किलोमीटर दूर पर एक बड़ा कचरा प्लांट लगा हुआ है जिसकी वजह से भी गाँव में काफ़ी परेशानियाँ बनी हुई है। अब इस वक्त हम पहुँचे हैं बकरियाँ वाली गाँव की गौशाला के अंदर। यहाँ पर हम पता करेंगे कि 3.5 साल में ग्राम पंचायत और प्रशासन की तरफ से क्या विकास कार्य यहाँ की विशेष तौर पर इस गौशाला में काम हुए हैं। तो फिलहाल इसके लिए हमारे साथ हैं ईश्वर जाखड़ जो कि गौशाला के प्रधान हैं जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या विकास कार्य आपके गाँव में और विशेष तौर पर इस गौशाला के अंदर क्या क्या काम हुए हैं? गौशाला के अंदर जी ये डी प्लान का काम हुआ है
और इसकी लगभग 24 फुट चौड़ाई और 160 फीट लंबाई है। और इधर पार्क बना है पंचायत के सहयोग से, और बाकी काम सारा गौशाला के अंदर जी गांव के सहयोग से हुआ है। जो ये पात्रदान के लिए भी है, गेट भी बना है, आगे बहुत कुछ बना है गांव के सहयोग से। और गांव के अंदर है, जिला परिषद के तरफ से भी काफ़ी इंटरलॉक गली बनी है, बाहर है काफ़ी लंबी है, अंदर भी है, सारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक दो गलियां रही है, बाकी काफ़ी विकास कार्य है। पंचायत की तरफ से काफ़ी वृक्ष लगे हैं और पंचायत की तरफ से फ्रूट के और छाँव के वृक्ष भी घर घर वितरित किए गए हैं। तो मतलब उनके जो गांव में विकास कार्य हुए हैं वो आप अच्छे मानते हो? हाँ, कुल मिलाकर अच्छा है जी। अच्छा, तो गौशाला के अंदर क्या माहौल है? आप डेली सेवा करने? हाँ, सेवा करने और भी खूब अच्छी सेवा हुआ, गौवांगी अच्छी तरह सौखी हुए, सेवा ही हुआ, निराचारी अच्छी हुआ, अच्छी भी 20-25 छोरा ही आने लग रही है सारा। अच कोई बंटोर वाला दे, कोई तूड़ी गेर दे, कोई नीर दे, कोई गोबर गेर दे, सारा हाँ पूरा सेवक है, कोई कमी कोई गौवा में तो है। एर गोबर कूटलो करने लुगाई गणी आवे, भाई छोरा गणाई आवे, यहाँ कौन भी गौशाला पे एकले पर गिर लिया, एकले पर कौन गिरे, भाई गांव पर है सारा पर। यार अच्छी सेवा होने लग रही है, अच्छा सोखी है, रोजा वहाँ भी पंचायत कोई काम करवाए? हाँ, पंचायत तो काम करवावे ही है, तूड़ी गिर दे भी, बंटो लिया दे भी, सगड़ो करवाए, तूड़ी गोन बंटा गोन सगी सोत हो रही है, बार का ही गिरे, गाँव का ही गिरे, पंचायत ही गिरे, सगड़ो की गिरे, अच्छी सेवा हुआ है पशुओं की। तो ये बता रहे हैं कि गौशाला के अंदर काफ़ी अच्छा काम हुए हैं, जिसमें एक तो मेन जो रास्ता है गौशाला का वो इंटरलॉक किया गया है, इसके अलावा यहाँ पे पार्क बनाया गया है, और वहीं गांव के पूरे सहयोग से काफ़ी विकास करे गौशाला के अंदर हुआ है। मुख्य गेट की बात करें चाहे अंदर शेड की बात करें, पूरा जो है अच्छी व्यवस्था गौशाला के अंदर बना रखी है ग्रामीणों ने। इस वक्त हमारे साथ हैं रणधीर विरट, जो कि गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे 3.5 साल में इन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। जी रणधीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। राम राम जी। क्या काम आपने गांव में 3.5 साल में करवाए हैं? देखो जी, पहली आज जी को 17 साल वोट पड़ता हो गया, जी को काम कणी कौन कराए वो आपा करवाए है। दूसरी बात है, सरपंच का भी मैं काम बढ़िया करिए तो आप के कहने को नहीं है, गाँव में भी जाओ फिरो, बन बुझो भी के काम करिए, बढ़िया करिए या माड़ो करिए, जो भी है कोई दत्तू है टैडे पर है 20-30 साल पहले कोई टप्पण की जगह को नहीं अड्डो साफ करे है, बटे मान लो आप दत्तू दाबे है, कोई गाँव में कुर्सी मिली है, लगभग 70 सालों गाँव में किन्नी दत्तू को दियो कनी आज तई, आज भी चारा समस्या ही कोई 2 लिए है, कोई 4 लिए है, हर घर को दत्तू ले है, और कोई व्याधी है भाई भी समस्या दूर करा जिसो है भी सो। मुख्य तौर पे आपने क्या 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 काम के अंदर क्या करवाए हैं मुख्य तौर पे? देखो जी, स्कूल में भी पार्क बनाए हुए है, चौधरी देवीलाल पार्क में पहली पशु मनता अठवी पार्क बनाए हुए है, शमशान भूमि में पार्क बनाए हुए है, बाकी और भी ले काम करिए जी। गाँव के अंदर हम गए हैं, काफ़ी गलियों का निर्माण भी गाँव के अंदर हुआ है, लेकिन सफाई व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है, हमने भी देखा है कई जगह पे गहरे गड्ढे हैं, पानी उसमें भरा हुआ है, तो डेंगू भी फैली हुई है गाँव के अंदर, तो इस पे क्या करना चाहोगे? देखो जी, पहली 2-3 बारी स्प्रे भी करवा दी डेंगू फोगिंग मशीनों, बाकी 2 कर्मचारी सफाई है, 2 आदमी है, गाँव बड़ो है तो जी 2 आदमियों सफाई पूरी तो कोनी हुआ, और कोई दहाड़ी दूड़ी लगवा के बांग सागे करवा दें। अच्छा, एक आपके जो गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई डॉक्टर है या ना कोई स्टाफ नर्स है, कोई पूरी व्यवस्था नहीं है, तो इस पे आपने ग्राम पंचायत की तरफ से क्या प्रयास किए हैं कि ऐसी सुविधा गांव में मिले, कोई हॉस्पिटल टाइप का कोई सुविधा हो? देखो जी, DC साहब ने लिख दिया लेटर 2-3 बारी ले रहा है, एक तो अस्पताल है डांगर अस्पताल, वो पिछले गेड़ा सरपंच हो वो नीलामी कर दी, ना बैठा डॉक्टर बैठा, ना कोई बिल्डिंग है की को नहीं बैठा, 2-3 बारी लिख के दे दियो ले रह गया जी, बोले जी पीछा पास हो गया, अब बेटा तो कोई पास को नहीं है, डॉक्टर को हॉस्पिटल है वो भी लिखे दियो, एक मंडी खातर लिखे दियो जी, मंडी क्यों गुड़ी है तो गुड़िया सहम की दिक्कत है, तो गुड़िया में बकरियां कोई दिक्कत को नहीं, बकरियां नहीं हटा रोड पर दे दिया जगह तो भाई कोई सुनाई को नहीं। एक अवैध कब्जों का भी मामला आया है, काफ़ी ज़्यादा अवैध कब्जे आपके गाँव में हुए हैं, तो इस पर ग्राम पंचायत ने क्या प्रयास किए हैं? देखो जी, आज जी का अवैध कब्जा बतावे बे, अब का अवैध कब्जा कोनी, आज वो 50 साल पुराना कब्जा है। अच्छा, बाकी रही जी आज यहाँ के जोड़े की जगह है, गऊ चराके की जगह है, तो जोड़ जी हमारे गाँव में जगह वापर है,
जोड़ा भी बापर है और जोड़ा की जगह भी पड़ी है तो वह भी लिख के दे रहा कि जोड़ा खुद है। अजी का गरीब आदमी है जान प्लाट काट के दे दे सरकार, यानि जिया भी प्लाट काट के फ्री में ना दे तो किस्त मान दे। आज 127 घर इकट्ठा जाओगे बताओ थे, और अभी कोई 10 साल में कोई कब्जो नहीं है, नयो कोई कब्जो को नहीं, 60 साल 50 साल पुराना कब्जा है। एक शिकायत ये भी है कि गांव के अंदर जो मकान मिलने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो ऐसे लोगों को मकान मिले हैं जो उसके योग्य नहीं है, और जो जिनको ज़रूरत है उनको मकान नहीं मिले हैं। नहीं जी आ कोई बात को नहीं, जिकन मिले है वह गरीब है, जिका का बागे फार्म भरुआ है वह सारा गरीब है, कोई सतान को मकान को नहीं। मैं आप गरीब हूँ, गरीब को ही करवाऊँगा पहले तो। जिका मिले है गरीब है, कई गरीब और रह रहे अजीब है, बोलिया इतना ही होगा ही करे 65 मकाम है, बाकी जी और लिस्ट मांगेगा वह आज तोड़ दे देंगे आप। तो ये गांव के सरपंच प्रतिनिधि है, ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छे विकास कार्य किए हैं। हालांकि कुछ समस्याओं के बारे में भी इनसे पूछा तो वो बता रहे हैं कि गांव के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो जो कर्मचारी हैं उनसे जितना पर्याप्त हो सकता है वो हो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त कर्मचारी रखने के लिए ग्राम पंचायत ने BDPO चोपटा को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से पूरी गाँव के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बकरियों वाली गांव के अंदर विकास कार्यों में एक अहम योगदान जो हमने पूरा सुना है, लोगों से बातचीत की है, जिला परिषद से काफ़ी ज़्यादा इनको बजट मिला है, तो इसका एक कारण यह भी है कि जो जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो इनके गांव से हैं, महेंद्र बान्ना जो है वो फिलहाल हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्या क्या विकास कार्य है और कितना ग्रांट उन्होंने अपने गाँव के लिए लेके आए हैं। जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद पुनिया जी, आप हमारे गाँव में गाँव की समस्याओं के बारे में सोचा, हम उसको तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पुनिया जी बात यह है, मेरे कार्यकाल के दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए गांव में खर्च हो चुके हैं, जिसमें पीने की पानी की समस्या के लिए पाइपलाइन का प्रबंध करवाए और RIBP गलियों का भी निर्माण करवाए गए। और क्या क्या चीज़ में किस तरह के जो विकास कार्य, जैसे IBP गली हो गया, और क्या क्या काम आपने किए हैं अब तक? नहीं पानी पीने के पानी की समस्या थी गांव में काफ़ी लोगों में, और वहाँ उनकी पानी पीने की समस्याओं को पूरा किया है, उनकी पाइपलाइन अलग से दबाई है, और अभी कई जगह पानी की समस्या है, पीने के पानी को भी अभी मैं प्राथमिकता पर करवा रहा हूँ, जल्दी करवा दूंगा। और बाकी रहे गांव की विकास की कमी है, जहाँ कोई गलियों की कमी है, कोई पानी की कमी है, कोई और समस्या है जो मैं जिला परिषद से दे सकता हूँ, वो मेरे कार्यकाल में पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। मौजूदा ग्राम पंचायत का सहयोग विकास कार्यों में कितना मानते हो? ठीक है, जो जिस हिसाब से पंचायत के पास बजट है उस हिसाब से ग्राम पंचायत अच्छा कार्य कर रही है गांव में। ये गांव वाले बता रहे हैं सफाई व्यवस्था के बारे में, जो कर्मचारी हैं वो सफाई व्यवस्था पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पे क्या करना चाहोगे? देखो वो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन गाँव बड़ा है, सफाई कर्मचारी 2 हैं, तो उनके लिए संभव नहीं है भैया पूरी गलियों को हर जगह हम सफाई करें, कूड़ा कर उठा लें जी, वो कर रहे हैं कोशिश, ऐसी बात नहीं वो ना करें, लगे हुए हैं। लगभग 2 किलोमीटर दूर आपके गांव से कचरा फैक्ट्री है, जो कि पूरे सिरसा का कचरा यहां पे जमा होता है, तो इससे क्या परेशानी मानते हो गांव वालों को? इससे क्या परेशानी, मैं तो मेरे गांव का दुर्भाग्य मानता हूं जी, भाई ये कचरा प्लांट मेरे गांव में लगा, इससे गांव में अनेक प्रकार की समस्या है, जिस साइड में प्लांट लगा है उस खेत साइड जमींदारों के खेत है, उन लोगों का इतना बुरा हाल है कि वो खाना तक खेत में बैठ के नहीं खा सकते, और उनसे बहुत बीमारियाँ जो गाँव में डेंगू जैसी अनेक बीमारियाँ फैल रही है वो सारी उस कचरे प्लांट की वजह से हैं, तो उसका बहुत दुष्प्रभाव है गांव में, बहुत बुरा हाल है गांव की इसके बारे में। तो इसको यहां से शिफ्टिंग के लिए या इसमें कोई संयंत्र ऐसे लगे जिससे बदबू बाहर ना आए, तो इसके लिए आप अपने लेवल पे क्या प्रयास किए हैं या क्या प्रयास करोगे? हम बहुत बार मिल चुके हैं, डी साहब से मिल चुके हैं, ये इनके जो सचिव है नगर पालिका उनसे मिल चुके हैं, वहाँ जाने पर एक बार आ जाते हैं, सफरे भरे कर जाते हैं, उसके बाद फिर 6 महीना कोई नहीं आता यहाँ, मतलब उसकी तरफ किसी प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है, जितना कचरा उसको बीनने का या इसको समाधान करने का कोई यहाँ यंत्र नहीं है, यहाँ दिन बहुत बुरा हाल है, हर रोज़ कचरा ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये हैं जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि महेंद्र बान्ना, जो कि बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 3.5 साल के अंदर 2.5 करोड़ रुपए अपने गांव के अंदर बजट के तौर पे यहां लेके आए हैं और विकास कार्य करवाए हैं, और ये बता रहे हैं कि और भी जो विकास कार्य है जिसके लिए जो भी उनके लिए सामर्थ्य होगा उनका, वो उस हिसाब से गाँव का विकास कार्य करवा रहे हैं।